श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 4 दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, नभक का पुत्र नाभाग अपने गुरु के स्थान पर काफी लंबे समय तक रहा। इसके कारण उसके भाइयों ने सोचा कि वो गृहस्थ नहीं बनना चाहता और वापस नहीं लौटेगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा न रखते हुए आपस में बांट लिया। जब नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस आया तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में अपने पिता को दे दिया। नाभाग ने पूछा, मेरे भाइयों, पिताजी की संपत्ति में से मेरे हिस्से में आप लोगों ने क्या दिया है? उसके बड़े भाइयों ने उत्तर दिया, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख दिया है। तब नाभाग अपने पिता के पास गया और बोला, हे पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तू इनके कपटपूर्ण शब्दों पर विश्वास मत करना, मैं तेरी संपत्ति नहीं हूँ। नाभाग के पिता बोले, अंगिरा के वंशज इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान होने के बावजूद भी वे हर छठे दिन यज्ञ करते हुए मोवश हो जाएंगे और अपने दैनिक कर्मों में भी गलती करेंगे। नाभाग के पिता ने आगे कहा, उन महापुरुषों के पास जाओ और उन्हें वैश्वदेव से संबंधित 2 वैदिक मंत्र सुनाओ। जब वो महापुरुष यज्ञ समाप्त करके स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करेंगे तो वे तुम्हें यज्ञ में प्राप्त धन का बचा हुआ दान देंगे, अतः तुम तुरंत जाओ। इस प्रकार नाभाग ने ऐसा ही किया जैसा उसके पिता ने सलाह दी थी और अंगिरा वंश के सभी ऋषियों ने उसे अपना पूरा धन दे दिया और फिर स्वर्गलोक चले गए। तत्पश्चात जब नाभाग संपत्ति को स्वीकार कर रहा था तो उत्तर दिशा से एक काला आदमी उसके पास आया और बोला, इस यज्ञशाला का सारा धन मेरा है। तब नाभाग ने कहा, ये धन मेरा है, ये ऋषियों ने मुझे दिया है। जब नाभाग ने ये कहा तो उस काले कलूटे ने उत्तर दिया, चलो तुम्हारे पिता के पास जाकर उनसे इस विवाद का निपटारा करने को कहें। उस बात पर सहमति हो जाने के बाद नाभाग ने अपने पिता से पूछा। नाभाग के पिता ने कहा, दक्ष के यज्ञ में जो कुछ भी ऋषियों ने आहुति दी थी वो उसे शिवजी के भाग के रूप में अर्पित किया था, तो यज्ञशाला की प्रत्येक चीज निश्चित रूप से शिवजी की ही है। तत्पश्चात शिवजी को नमन करते हुए नाभाग बोले, हे देवेश्वर, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसा मेरे पिता का कहना है। अब मैं विनम्रता से आपके चरणों में सिर झुकाकर आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। शिवजी ने कहा, तेरे पिता ने जो कुछ कहा वो सत्य है और तू भी वही सत्य कह रहा है, इसलिए मैं, जो वेद मंत्रों का ज्ञाता हूँ, तुझे दिव्य ज्ञान समझाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, अब तुम यज्ञ से बचा हुआ सारा धन ले सकते हो क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसा कहकर धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले शिव जी उस स्थान से अदृश्य हो गए। प्रातःकाल और सायंकाल अत्यंत ध्यान से इस कथा को सुनने या स्मरण करने से व्यक्ति निश्चय ही विद्वान हो जाता है, वो वैदिक मंत्रों के अर्थों को समझने वाला हो जाता है और जीवन की वास्तविकता को जानने वाला भी हो जाता है। नाभाग से महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ। महाराज अम्बरीश एक महान भक्त थे और अपने अच्छे गुणों के लिए जाने जाते थे। हालांकि उन्हें एक अचूक ब्राह्मण ने शाप दिया था, पर वो शाप उनको छू भी नहीं पाया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महापुरुष, महाराज अम्बरीश बहुत ही महान और आदर्शवान थे, मैं उनके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। ये कितना अजीब है कि एक ब्राह्मण का अटल शाप उन पर असर नहीं दिखा पाया। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, समस्त भाग्यशाली राजा अम्बरीश ने 7 द्वीपों वाले सारे विश्व पर शासन किया और पृथ्वी पर अक्षय असीम ऐश्वर्य और समृद्धि पाई। ऐसा पद पाना दुर्लभ होता है, लेकिन राजा अम्बरीश ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। वे भली भांति जानते थे कि ऐसा सारा वैभव भौतिक है, यह वैभव एक सपने की तरह है और अंततः नष्ट हो जाएगा। राजा जानते थे कि कोई भी अभक्त अगर ऐसा भौतिक वैभव प्राप्त कर लेता है तो वो प्रकृति के अंधकार गुण में अधिकाधिक डूबता चला जाता है। महाराज अम्बरीश भगवान वासुदेव और भगवत भक्त संत पुरुषों के परम भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे सारे जगत को एक पत्थर के टुकड़े की तरह तुच्छ मानते थे। महाराज अम्बरीश अपना मन सदैव कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाने बुहारने में और अपने कान कृष्ण द्वारा या कृष्ण के बारे में बोले गए शब्दों को सुनने में लगाते थे।
उन्होंने अपनी आँखों को कृष्ण की देवता, कृष्ण के मंदिरों और कृष्ण के स्थानों जैसे मथुरा और वृंदावन को देखने में लगाया। उन्होंने अपने स्पर्श की भावना को प्रभु के भक्तों के शरीर को छूने में, अपनी गंध की भावना को प्रभु को चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को प्रभु के प्रसाद को चखने में लगाया। उन्होंने अपने पैरों को प्रभु के पवित्र स्थानों और मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को प्रभु के सामने झुकाने में और अपनी सभी इच्छाओं को 24 घंटे प्रभु की सेवा करने में लगाया। वास्तव में महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं चाहा। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भक्ति सेवा में लगाया, प्रभु से संबंधित विभिन्न कार्यों में। यही है प्रभु के प्रति आसक्ति बढ़ाने का और सभी भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होने का मार्ग। राजा के रूप में अपने निर्धारित कर्तव्यों को निभाते हुए महाराज अम्बरीश हमेशा अपने राजसी कार्यों के फल भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो हर चीज के भोक्ता हैं और भौतिक इंद्रियों से परे हैं। निश्चित रूप से वो उन ब्राह्मणों से सलाह लेते थे जो भगवान के अनन्य भक्त थे, और इस तरह पृथ्वी पर उनका शासनकाल बिना किसी परेशानी के चलता था। उजड़े हुए मरुस्थलों में सरस्वती नदी के किनारे महाराज अम्बरीश ने अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का संपादन करके सभी यज्ञों के स्वामी भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे यज्ञों का संपादन महान ऐश्वर्य के साथ और उपयुक्त सामग्री के द्वारा करना पड़ता था, साथ ही ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी पड़ती थी। इन सभी यज्ञों के निरीक्षण वशिष्ठ, असित और गौतम जैसे महान पुरुष करते थे जो यज्ञ कराने वाले राजा के प्रतिनिधि होते थे। महाराज अम्बरीश द्वारा विधिवत रूप से आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य और पुरोहित, विशेष रूप से होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्यु, फूलों और आभूषणों से बने वस्त्र पहने थे। वे सभी देखने में देवताओं के समान लग रहे थे। उन्होंने उमंग और उत्साह के साथ मिलकर बड़े ध्यानपूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के गुणगान करने और उनके कार्यों के बारे में सुनने की अभ्यस्त थी। इस तरह से वे कभी भी स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं रखते थे, जो कि देवताओं के लिए भी बहुत प्रिय है। जो लोग भगवान को समर्पित होकर उनके लिए कार्य करने के पालौकिक सुख को अनुभव कर लेते हैं, वे महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उपलब्धियां उस भक्त के उस पालौकिक आनंद को और अधिक नहीं बढ़ा सकती जो हमेशा अपने हृदय में कृष्ण का ध्यान करता रहता है। इस प्रकार इस लोक के राजा महाराज अम्बरीश ने भगवान की भक्ति की और इस प्रयास में उन्होंने कठोर तपस्या की। अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा भगवान को सदैव प्रसन्न करते हुए उन्होंने धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया। महाराज अम्बरीश ने अपने घर गृहस्थी, पत्नियां, संताने, मित्र और संबंधियों से लगाव छोड़ दिया। उन्होंने उन सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अमूल्य रत्नों, आभूषणों, वस्त्रों और अपार संपत्ति से भी अपना लगाव छोड़ दिया। उन्होंने इन सभी वस्तुओं को नश्वर और भौतिक मानकर इनसे अपना मोह छोड़ दिया। महाराज अम्बरीश की समर्पित और अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो शत्रुओं के लिए भयावह है और हमेशा विपरीत परिस्थितियों और शत्रुओं से भक्तों की रक्षा करता है। एक वर्ष तक भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए महाराज अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ एकादशी और द्वादशी का व्रत धारण किया, जो उनसे उतनी ही योग्य थी। कार्तिक माह में एक वर्ष तक उस व्रत को पालने के बाद 3 रातों का उपवास रखने और यमुना में स्नान करने के बाद महाराज अम्बरीश ने मधुवन में भगवान हरि की पूजा की। महाभिषेक के विधि विधानों को ध्यान में रखते हुए महाराज अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने भगवान के अर्चा विग्रह को सभी आवश्यक सामग्रियों के साथ स्नान कराया, फिर उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, सुगंधित फूलों की माला और भगवान की पूजा के लिए अन्य आवश्यक सामग्रियों से सजाया। ध्यान और भक्ति के साथ उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की और उन महान भाग्यशाली ब्राह्मणों की भी पूजा की जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे। तत्पश्चात महाराजा अम्बरीश ने अपने आवास में आए सभी मेहमानों, विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उन्होंने दान के रूप में 60 करोड़ गायें दीं, जिनके सींग सोने के पत्थर और खुर चांदी के पत्थर से मढ़े हुए थे। सारी गायें वस्त्रों से खूब सजाई गई थीं और उनके थन दूध से भरे थे। वे सुशील, नवयुवक और सुंदर थीं और अपने अपने बछड़ों के साथ थीं।
इन गायों का दान देने के बाद राजा ने सर्वप्रथम सभी ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया और जब वे पूरी तरह से तृप्त हो गए तो उनकी आज्ञा से वे एकादशी व्रत तोड़कर उसका पारण करने वाले थे। किंतु ठीक उसी समय महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनादेय अतिथि के रूप में वहां पर प्रकट हुए। दुर्वासा मुनि को सम्मान पूर्वक स्वागत करने के बाद राजा अम्बरीश ने उठकर उन्हें आसन प्रदान किया और पूजा की सामग्री अर्पित की। इसके पश्चात उनके चरणों में बैठकर राजा ने महामुनि से भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने आनंद पूर्वक महाराजा अम्बरीश की अर्जी मंजूर कर ली, लेकिन जरूरी रस्मी कार्य करने के लिए वे यमुना नदी में गए। वहीं उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में स्नान किया और निराकार ब्रह्म का जाप किया। इसी बीच व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी का आधा मुहूर्त ही शेष था, इसलिए तुरंत व्रत तोड़ देना जरूरी था। ऐसी विकट परिस्थिति में राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से सलाह मशविरा किया। राजा ने कहा, ब्राह्मणों के साथ आदरणीय व्यवहार के नियमों का उल्लंघन निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि के भीतर अपना व्रत नहीं तोड़ता है तो व्रत के पालन में दोष आता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, यदि आप सोचते हैं कि यह शुभ है और अधार्मिक नहीं है तो मैं पानी पीकर व्रत तोड़ दूंगा। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचा, क्योंकि ब्राह्मणों के अनुसार पानी पीना खाने के समान माना जा सकता है और न खाने के समान भी। हे कुरुश्रेष्ठ, राजा अम्बरीश ने थोड़ा सा जल पिया और अपने हृदय में भगवान का ध्यान धर लिया और फिर वे महान योगी दुर्वासा मुनि के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहर में संपन्न होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद दुर्वासा मुनि यमुना नदी के तट से वापस लौटे। राजा ने उनका ढंग से स्वागत किया, लेकिन दुर्वासा मुनि ने अपनी योग शक्ति से समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने बिना उनकी अनुमति के जल पी लिया है। भूखे कांपते हुए शरीर, टेढ़े मुंह और गुस्से से टेढ़ी भौहें किए दुर्वासा मुनि ने हाथ जोड़े खड़े राजा अम्बरीश से इस प्रकार क्रोधपूर्वक कहा, ओ जरा इस निर्दयी प्राणी का व्यवहार तो देखो, ये भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। अपनी संपत्ति और पद के घमंड में यह अपने आप को भगवान समझ बैठा है। देखो इसने धर्म के नियमों का उल्लंघन कैसे कर डाला है। महाराज अम्बरीश, तूने मुझे अतिथि मानकर भोजन के लिए बुलाया, परंतु खाने के बजाय पहले तूने खूब खा लिया है। तेरे इस बुरे व्यवहार के कारण मैं तुझे इसका दंड देना चाहता हूँ। जैसे ही दुर्वासा मुनि ने ये कहा, गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। महाराज अम्बरीश को दंडित करने के लिए उन्होंने अपने सिर के बालों को उखाड़ा और विनाश की धधकती आग जैसा एक दानव बना दिया। हाथ में त्रिशूल लेकर और अपने कदमों की गड़गड़ाहट से धरती को हिलाते हुए वो चमकती हुई प्राणी महाराज अम्बरीश के सामने आ गई। लेकिन उसे देखकर राजा तनिक भी परेशान नहीं हुआ और अपने स्थान से थोड़ा भी नहीं हिला। जैसे जंगल में आग लगने से गुस्से में भरा सर्प तुरंत जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के श्री सुदर्शन चक्र ने ईश्वर के भक्त की रक्षा के लिए उस कृत्रिम राक्षस को तुरंत जलाकर राख कर दिया, जैसा कि सर्वोच्च ईश्वर ने पहले से ही आदेश दिया था। जब दुर्वासा मुनि ने पाया कि उनकी योजना विफल हो गई थी और सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ रहा है तो वे बेहद डर गए और अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भागने लगे। जैसे ही जंगल की आग की तेज लपटें एक सांप का पीछा कर रही थीं, ठीक उसी प्रकार भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने देखा कि चक्र उनकी पीठ को लगभग छूने वाला है, इसलिए वे बहुत तेजी से दौड़े सुमेरु पर्वत की एक गुफा में प्रवेश करने की इच्छा से। अपनी रक्षा हेतु दुर्वासा मुनि चारों ओर भागते रहे, आकाश में, पृथ्वी तल पर, गुफाओं में, समुद्र में, तीनों लोकों के शासकों के विभिन्न लोकों में, यहाँ तक कि स्वर्गलोक में भी। लेकिन वे जहाँ भी गए सुदर्शन चक्र की असहनीय आग उन्हें लगातार पीछा करती रही। डरते हुए दिल के साथ दुर्वासा मुनि इधर उधर शरण की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन जब उन्हें कोई शरण नहीं मिली तो अंत में वह भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, कृपया करके भगवान द्वारा भेजे गए इस जलते हुए सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, द्विपरार्ध के अंत में जब भगवान की लीलाएं पूरी होती हैं तो भगवान विष्णु अपनी एक भौं के टेढ़े होने से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देते हैं, जिसमें हमारे निवास स्थान भी शामिल हैं।
मैं और शिवजी जैसे लोग और दक्ष, भृगु आदि प्रमुख ऋषि मुनि और जीवों के शासक, मानव समाज के शासक और देवताओं के शासक, हम सभी उस भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और अपने सिर झुकाकर सभी जीवों के कल्याण के लिए उनके आदेशों का पालन करते हैं। जब सुदर्शन चक्र की ज्वलंत अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने इस प्रकार अस्वीकार कर दिया, तो उन्होंने कैलाश लोक में सदा निवास करने वाले भगवान शिव की शरण ग्रहण करने का प्रयास किया। शिव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता जो इस ब्रह्मांड में अपनी महानता के भ्रम में चक्कर लगाते रहते हैं, भगवान से होड़ करने की शक्ति नहीं रखते, क्योंकि भगवान के निर्देश मात्र से असंख्य ब्रह्मांड और उनके निवासी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। मैं शिवजी, सनई कुमार, नारद, परमादरणीय ब्रह्मा जी, कपिल, देवहूति पुत्र, अपांतरतम, व्यास देव जी, देवल, यमराज, आसुरी, मरीचि इत्यादि अनेक संत पुरुष एवं सिद्धि प्राप्त अन्य अनेक लोक भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं। फिर भी भगवान की माया से ढके होने के कारण हम यह नहीं समझ पाते कि यह माया कितनी विस्तृत है। तुम्हें मुक्ति पाने के लिए उन्हीं भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी असहनीय है। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे निश्चित रूप से दयालु होकर तुम पर कृपा करेंगे। तत्पश्चात शिवजी द्वारा भी आश्रय न देने से निराश होकर दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम पहुँचे, जहाँ भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान हैं। सुदर्शन चक्र की भीषण ऊर्जा से झुलसकर परम तपस्वी विश्व प्रसिद्ध दुर्वासा मुनि श्री नारायण के चरणों में गिर पड़े। थरथराते शरीर से बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे समूचे ब्रह्मांड के रक्षक, आप अनन्य भक्तों की सर्वोच्च आकांक्षा के सर्वोपरि पात्र हैं। हे प्रभु, मैं भारी अपराधी हूँ, कृपा करके मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करें। हे नाथ, हे परम नियंता, मैं आपकी असीम शक्ति को समझे बिना आपके परम प्यारे भक्त के खिलाफ अपराध कर बैठा हूँ, कृपा करके मुझे इस अपराध के फल से बचा लीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति चाहे नरक जाने योग्य ही क्यों ना हो, आप उसके हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर उसका उद्धार कर सकते हैं। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं अपने भक्तों के पुनर्तः वश में हूँ, वास्तव में मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पुनर्तः रहित होते हैं, इसलिए मैं केवल उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मेरे भक्त क्या, मेरे भक्तों के भक्त भी मेरे बहुत प्रिय हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वे साधु पुरुष जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ, उनके बिना मैं नहीं चाहता कि अपने दिव्य आनंद और महान ऐश्वर्य का भोग करूँ। शुद्ध भक्त मेरे लिए अपने घर, पत्नियां, बच्चे, रिश्तेदार, धन और यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्याग देते हैं, बिना इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भी भौतिक उन्नति की इच्छा के, सिर्फ मेरी सेवा करने के लिए। तो मैं ऐसे भक्तों को कभी छोड़ नहीं सकता। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां अपनी सेवा से अपने आज्ञाकारी पतियों को अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार निर्मल भक्तगण, जो सबके समान हैं और अपने हृदय में पूर्ण रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लेते हैं। मेरे भक्त जो मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के चार सिद्धांत सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा साष्टि में भी तनिक रुचि नहीं रखते, यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। फिर स्वर्गलोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। पवित्र भक्त सदैव मेरे हृदय के मूल में निवास करता है और मैं सदैव पवित्र भक्त के हृदय में वास करता हूँ। मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानते और मैं उनके अलावा किसी और को नहीं जानता। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारे बचाव के लिए उपदेश दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। महाराज अम्बरीश का अपमान करके तुमने अपने आत्म द्वेष का परिचय दिया है, इसलिए जरा भी देर न करते हुए तुरंत उनके पास जाओ। एक व्यक्ति की वो ताकत जिसका इस्तेमाल किसी भक्त के विरोध में किया जाए, वो ताकत इस्तेमाल करने वाले को ही नुकसान पहुंचाती है। मतलब जो व्यक्ति शक्ति का उपयोग करता है उसे नुकसान पहुंचता है, न कि उसे जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मण के किए गए तप और विद्या तो कल्याणकारी ही होते हैं, पर जब ये तप और विद्या अति अभिमानी में होते हैं तो इनसे बड़ा दूसरा कोई हानिकारक नहीं होता। अतः हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास चले जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ।
यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें सुकून मिलेगा।